परसेंटेज के तरह तरह के क्वेश्चन पड़े थे, लेकिन अब हम ये देखना है कि सीटेड के लिए कैसे प्रश्न परसेंटेज के महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे परसेंटेज हम लोग इसलिए आपको इतना पढ़ा दिए ताकि एक अध्यापक होने नाते अगर आप अपने विद्यालय में जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, अगर आपके विद्यालय में कुल छात्र संख्या 120 हो, 120 हो, 120 हो, और किसी दिन यदि 84 अभ्यर्थी, 84 बालक या बालक छात्र, लिखे 84 छात्र कक्षा में उपस्थित होते हैं, 84 छात्र कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है? कितना है बताएं आप लोग? आप भी लगाते रहे, आप लोग भी लगाते रहे। हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन कि यदि आपकी कक्षा में कुल 120 छात्र हैं, उसमें 84 छात्र उपस्थित होते हैं, तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? दो तरीके, पहले ये ज्ञात कर लेते उपस्थित कितने हैं, ये ज्ञात करें उपस्थित कितने हैं, क्या निकाले बताइए। जैसे कुल टोटल छात्र 120, कितने उपस्थित है 84, कितने अनुपस्थित है 36 छात्र अनुपस्थित, कितने में से 120, तो 36/120 परसेंटेज के लिए गुणे, ये लड्डू लड्डू कट गया, 12 × 12 = 3 × 10 = 30 प्रतिशत छात्र अनुपस्थित है। ठीक, या तो ये निकले कितने परसेंट छात्र उपस्थित है, तो निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है। 120 में कितने उपस्थित है? 84/120 परसेंटेज के लिए 0 0 कट गया, 12 × 7 = 84 = 7 × 10 = 70% उपस्थित है। कितने परसेंट अनुपस्थित हुए? 30 कुल छात्र 100 होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। यदि कोई बालक दो सौ पचास नंबर के पूर्णांक में से 250 नंबर के पूर्णांक में से 150 नंबर प्राप्त करता है, 150 नंबर प्राप्त करता है, 150 अंक प्राप्त करता है, तो बताइए उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? आप लोग बस सीधी सी बात है, कितना पूर्णांक था 150, कितने में 150 नंबर पाया, कितने में पाया 250 परसेंटेज के लिए। बस ये लड्डू से लड्डू खत्म, 25 से 25 से कब 25, 25 चौके 100,
पंद्रह गुणे चार बराबर 60 परसेंट। एक लाइन में तो लगी जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक बालक एक छात्र, देखिए बालक शब्द बार बार आता है, एक छात्र एक परीक्षा में जो भी लिखिए, परीक्षा में 150 अंक अर्जित करता है, 150 अंक अर्जित करता है और 10 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाता है, और 10 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 रहा हो तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था? तो बताएं कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था? क्वेश्चन और लिखिएगा। एक छात्र एक परीक्षा में 150 अंक अर्जित किए, 150 अंक अर्जित किए पर 10 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया, और 10 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया, 10 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रहा हो तो, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रहा हो तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले धोर लगाइए, फिर हम समझाते हैं बारी बारी से आप लोग को कैसे सॉल्व होगा। हम लोगों ने प्रश्न लिखा था कि एक छात्र एक परीक्षा में 150 अंक अर्जित करता है और 10 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक। यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 रहा, यदि पूर्णांक दूसरा पढ़ रहे हैं क्या? उसी में। अच्छा, यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 रहा हो तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या? बहुत सरल है, तो देखिए कह रहा है कि एक बालक था, वो 150 नंबर प्राप्त किया लेकिन फेल था। कब तक फेल था? कि जब तक वो 10 नंबर नहीं प्राप्त करता। अगर वो 10 नंबर पा जाता तो पास हो जाता, 150 नंबर पाया 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, माने 10 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, माने अगर वो 160 पाता तब भी पास होता, लेकिन कितने में से पासिंग था ये? मतलब 160 नंबर कितने में से मिल रहा था? 500 परसेंटेज के लिए गुणे 100। लड्डू से दो लड्डू कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 थे 15, 5 दूनी 10, माने परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था 32, माने अगर 500 का 32% प्राप्त करता तब वो पास हो पाता, ठीक। ये तो आ गया था, दूसरा क्या आ गया था? दूसरा क्या बताइए? यदि एक छात्र एक परीक्षा में 150 अंक, अच्छा हां, एक परीक्षा में एक छात्र 150 नंबर प्राप्त किया, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रहा हो तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, देखिए कह रहा है कि एक बालक फिर वही 150 नंबर पाया और 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, माने 10 नंबर और मिल जाता उसको तो वो उत्तीर्ण हो जाता, माने पास हो जाता, तो कितने मार्क हो जाते? 160 पाता तो पास होता, 160 पाता तो, और ये कितने परसेंट बराबर है? 40, माने जब 160 तो 40% होते, माने 40% बराबर 160, 1% बराबर 160 बटे 40 करे, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक अपने आप में 100 गुणे 100, ठीक। इलेट्टू से 4 × 4 = 16, 4 × 100 बराबर परीक्षा का पूर्णांक 400 था। चार सौ
लीजिए, समझ लीजिए कहाँ दिक्कत हुई आपको। दोनों क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो बताइए। समझ में आ गए दोनों? एक से न्यूनतम त्रय निकालना था और एक से पूर्णांक, न्यूनतम त्रय पूर्णांक दोनों निकल गए। फिर बोले क्वेश्चन इकट्ठो कर लेंगे, हो गया। चलिए लिखिएगा, एक छात्र एक परीक्षा में अट्ठासी अंक प्राप्त किए, जो 44% था, जो 44% था, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 88 अंक अर्जित किए, जो 44% था, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? दो सौ, सही है। कैसे निकले बहुत, ये भी तो सरल ही था। कह रहे कितना अंक अर्जित किया? 88 अंक अर्जित किया, जो कितना था? 44। तो 1% बराबर 88%, के लिए 44 × 44 = 88, 100 × 2 बराबर 200। परीक्षा का पूर्णांक जो था, ठीक। चलिए आगे लिखेगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितना परसेंट मत बोले, जितना आप लोग बताए, 70% मत प्राप्त किए, और वह 720 मतों से चुनाव जीत गया, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। प्रश्न नंबर एक, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया, या चुनाव के कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या। दूसरा, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। कुल कितने मत मिले, तीन प्रश्न बनेंगे यहां से। एक और बना सकते थे कि हारने वाले का परसेंटेज क्या था, आप लोग लगाएंगे कि पहले बताएंगे? आप लगाएंगे? चलिए पहले एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर नहीं आएगा तो हम बताते हैं। देखिए, हम लोगों ने लिखा था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिले और वह 720 मतों से चुनाव जीत गया। पहले यहां तक पहुंचते हैं, कोई एक चुनाव में कुल जो मतदान होता है वो 100% हुआ, कितना होगा? कुछ 100% होता ही है, पहले हमने बता दिया था 100। अब उसमें से जीतने वाला 70 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 30%। अगर आपकी क्लास में टेस्ट हो 20 नंबर का, एक लड़का ए 13 नंबर पाए, बी 11 नंबर पाए, ज्यादा कौन पाएगा? ए वाला कितना ज्यादा पाया, तो कितना बताएंगे कि ए वाला कितना ज्यादा पाया है? दो पाया। वैसे 70% जीतने वाला, 30% हारने वाला, तो कितने परसेंट से जीता जीतने वाला? 40% से। भाई 70 पाया है और ये 30 पाए हैं, तो कितने जीता? 40% मत से जीता। और ये कितने मत से? 40% बराबर दिया है आपका 700, 1% बराबर 720/40। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है? कुल मतदाता, कुल मतदाता पहला हो गया।
अब दूसरा क्या पूछा है? हारने वाला कितना? 32 बुढ़े 30 कर दिया। सेम क्वेश्चन को 720 बटे 40 में बुढ़े कर दिया 30, हारने वाला। फिर क्या कहा? 720 बटे 4 40, फिर क्या कर दिया 40, जितने लड़के बढ़ेगा 70, ये हो गया कुल मतदाता। हारने वाला जीतने, कुछ नहीं कर, 1% निकाल के जितना परसेंट गुणा कर देंगे उतना मान निकलेगा। कितना आसान है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, एकदम आसान है लगाना, एकदम बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा आप लोग के पास दिमाग पहले से ही, भगवान ने आपको इतना दे के रखा है पहले से। हो गया सुरजीत जी, समझ में आ गया? एक आध क्वेश्चन और बोल दे बस करे, बड़े जल्दी थक जाते हैं। आ रहे चलिए लिखिए क्वेश्चन आगे। आगे लिखेगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चलिए कोई बताए मतदान, कोई बोल दे, हम बोल दे तुरंत, क्वेश्चन बनाना होता हमको ना, जितना बोलो 60%, चलिए जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिला, हारने वाला बोला जीता, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले, और वह कितने मत, कितना उत्तर लाना है? हाँ जल्दी बता, कितना उत्तर लाना है? 1000, 2000, 3000, 4000 कितना लाना है? 1500 लाना है। तो वह 150 मतों से, 150 मतों से चुनाव जीत जाता है। 2000 आपने कहा था, 150 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? ठीक लगाइए आप लोग, सेम प्रोसेस पे लगाना है, इसमें 3 प्रश्न बना सकते थे लेकिन बनाया नहीं हमने। चलिए आप लोग 2000 मान के लगा रहे थे, 2000 नहीं आ रहा, 2000 नहीं आ रहा, 2000 नहीं आ रहा, ये नहीं चेक किया प्रोसेस आपका सही है कि नहीं। एक लगाने का तरीका नहीं आ रहा तो लगता गलत है ना। चलिए देखिए, देखिए कुल चुनाव में कुल कितने मतदाता, कुल वोट होता है 100 होता है, जीतने वाला को कितना मिला, हारने वाला कितना मिला? अभी 60 पाया या 40 पाया, जीता कौन? कितने से? 20% बराबर 150, 1% बराबर 150 बटे कुल मतदाता गुणे से, कुल पूछा गुणे 100, ये लड्डू लड्डू से 2 5 10, तो 150 गुणे 5 750, कुल मतदाता संख्या 750। ठीक, अगर हमें 400 बोले होते तो आ जाता आपका 2000। ठीक, तो कथा प्रश्न समाप्त किया जाए। आगे बढ़े, चलिए आप लोग भी समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसकी वर्कशीट भी धीरे धीरे हम उपलब्ध करा देंगे कुछ दिन बाद से, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को।